भारतीय सीमा सुरक्षा की फ्रंटलाइन बटालियन बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यह फोर्स जैका कानों पर देश की सीमाओं की जिम्मेवारी छ। 60 डिग्री तक तपती गर्मी में झुलसान वो रेगिस्तान हो या -30 डिग्री को बर्फीलो हिमचल डांडो, अपनी जिम्मेवारियों का साथ 24 घंटा चौकसी कनाचिन बीएसएफ का जवान। कार्यक्रम तिले धारू बोला का माध्यम से हम आपसे दिखोला 2,50,000 जवान पहरेदारी कना छन 6,500 किलोमीटर भारत की सीमाओं को। यो जवानों की जिम्मेवारी बहुत इले कि यो जवानों थे दिए जान कठोर प्रशिक्षण। यो कठोर प्रशिक्षण बना दियो थे बॉर्डरों पर सीमा की सुरक्षा का वास्ता एक मजबूत फौजी जवान। ग्रुपिंग फायर। 50 हफ्तों की कठोर ट्रेनिंग का बाद बने जांदू एक आम सिविलियन थे कि मिलिट्री को अनुशासित जवान। इस जवान माँ बाप भाई बहना यार दोस्त सब कुछ विसर्जन। यूं थे सिर्फ एक बात याद रहेंद जीवन पर्यंत कर्तव्य यानी ड्यूटी अंटिल डेथ। और फिर हुंदिनियों का मॉक ड्रिल ऑपरेशन। जितने भी मिलिटेंट थे उनको सबको आपने मार गिरा है। वेल डन, वेरी गुड। ये दो चार कमांडो ने गलती की है, उसको ध्यान रखेंगे। आगे की एक्सरसाइज में किसी में वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। जब भी क्रॉल कर रहे हैं तो नीचे होकर के क्रॉल करेंगे, कह रहे हैं। अब जवान बॉर्डरों में जाने का वास्ता तैयार छन, पर बॉर्डरों में जाने से पहले शारीरिक और मानसिक रूप से यूं की फिटनेस होना बहुत जरूरी छ। ये हिमवली पहाड़ी 13,000 फीट से ऊंची छन और यह जगह कश्मीर में पीर पंचाल माउंटेन रेंज को साउथ में लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि पाकिस्तान और भारत को सबसे संवेदनशील पोस्ट एलओसी। एलओसी भारत और पाकिस्तान की फ्रंट लाइन च। एलओसी भारत और पाकिस्तान को फ्रंट लाइन बॉर्डर च, मगर ये द्वि देश इतने की इंटरनेशनल बाउंड्री निमंदा। और ये बाउंड्री लाइन की चौकसी की जिम्मेवारी बीएसएफ का कांधों पर। बर्फ से ढकिया ये बंकर फौजियों को वासुच। यख बटे फौजी पूरा साल अपनी चौकी की हिफाजत कर दन।
यह तार बाड़ ही भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा चो और यह तार बाड़ का कुछ ही दूर पर दिखेंदन पाकिस्तानियों की चौकी। यह सबसे जरूरी चो चौकस रहनो 24 घंटा रात दिन। यह 24 घंटा पाकिस्तान का आतंकवादी घुसपैठ की ताक मरंदन। यह की चौक सिकन वाला जवान अपनी ड्यूटी पर जरा सी भी ढील नहीं दे सकता। यह जवान सिर्फ दो चीज याद रखने में, एक अपनी ड्यूटी और है को भगवान। अनऑथराइज तरीके से घुसपैठ करोड़ों पाकिस्तानी आतंकवादियों की फितरत से जवान उठे समय समय पर नक्शा द्वारा एरिया की जानकारी दिए जाते ताकि अपने देश का बॉर्डरों का नक्शा हर जवान का दिमाग में छपे जावन। देखे मई बर्फीला बाटा बड़ा ही शांत दिखे दिन पर एक गलत कदम मनिक थे 60 फीट की गहराई तक पहुंचे सके। दुश्मनों का नजदीक बॉर्डरों पर पहुंच दी फौजी वातावरण का हिसाब से सफेद विजन। घुसपैठियों की तलाश का वास्ता चप्पा चप्पा की तलाश लिए जान। हेडक्वार्टर में बॉर्डर पर होनी हर घटना की खबर मिली रहनी। बर्फीला इलाका हो या तपती रेगिस्तान, बीएसएफ का जवान हर समय अपने ड्यूटी पर डटा रहने। यो चो रेगिस्तानी बॉर्डर, ये कुने बुले जांद थार डिजर्ट। यो दुनिया को सबसे वीरान इलाका च, यख दूर दूर तक चखला तक नहीं दिखेंदा। यो चो बीओपी यानी कि बॉर्डर ऑफ पोस्ट। रेत में दसी 4-5 बिल्डिंग ये बॉर्डर की सुरक्षा कर दन। यख रेत में सड़क को निर्माण करन तो बहुत दूर की बात से, यख तो बाटा भी हर बथों का साथ हरचना रहने। यख मनिक थे पता ही नहीं चल दू कि कै दिशा बटे ऐच हो और कै दिशा में जान च, पर फिर भी बीएसएफ का जवान अपनी ड्यूटी में यख भी तैनात छन। यो जवान थे कि कुछ पगों का निशान दिखेगी जो कि बीएसएफ का जवान का नीचे। तो तुरंत चौकी में ये बात की जानकारी दे। जुलेट 6-4 कॉलिंग जुलेट 5 रिपोर्ट ओवर। ओके कैरी ऑन। सर 748 पोल के पास सर कुछ सके निशान पाए गए सर, जो भी इंसान के हैं सर पाकिस्तान से इंडिया की तरफ गया सर। ठीक है, तुम आ रहे अपनी टीम लेके। जानकारी देने का बाद टीम तो की तलाश में चल जान और है की टीम इस जगह का वास्ता रवाना हो जाए। और फिर वे आदिम की तलाश जोरों से शुरू हो जाए जय का पगों का निशान दिखेगी। अब जब तक वो आदिम नहीं मिलो लो ये जवान चैन से नहीं रह सकता। मगर डेढ़ घंटे की छानबीन का बाद
चौथे वो आदिम दिखे चांद। अब हम आप थे लीजो नवा अटारी बॉर्डर जय बॉर्डर से दिखना होने की रोज शाम भगत पहुंचने लगे रहे मेरी पिछली तीन पीढ़ी यानी मेरे दादाजी मेरे पिताजी अभी मैं देश की सेवा कर रहे हैं और बीएसएफ में रह के यहाँ अटारी जैसे बॉर्डर के ऊपर में कमांड करके उसका एक अलग ही जज्बा एक अलग ही जुनून है। ये बॉर्डर में जवान झटका से द्वार खोल दिए। मेरी पिछली तीन पीढ़ी यानी मेरे दादाजी मेरे पिताजी अभी मैं देश की सेवा कर रहे हैं और बीएसएफ में रह के यहां अटारी जैसे बॉर्डर जुंगों पर ताव दिन दिन उसका एक अलग दुश्मनों को आंख घुरन दिन यो जवानों को जोशीलो अंदाज तन और मन का रोंगटा खड़ा कर दिए। देखो निदान गेट बंद होने से पहले दो देशों का झंडा उतरे जान। सुख चैन से सुनिंद सीन वाला हिंदुस्तानियों थे ई बात की खबर जरूर होनी चाहिए कि बॉर्डर पर तुम्हारी सुरक्षा का वास्ता ई फौजी जवान कत का खैरियों में अपनी ड्यूटी निभाना चाहिए।